तो ये है नए फैब फोर इंटरनेशनल क्रिकेट के। यही तो बात करना चाह रहा था मैं आप लोगों से कि जब हम फैब फोर की बात करते हैं, फैब फोर बल्लेबाजों की बात करते हैं, तो अमूमन हम किन की बात करते हैं? जो मीडिया में खबरें रहती हैं वो ये हैं कि स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया, जो रूट इंग्लैंड, केन विलियमसन न्यूजीलैंड और विराट कोहली इंडिया। तो ये चार ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हम फैब फोर मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सबका मानना है अक्रॉस द ग्लोब कि ये सबसे ज्यादा टैलेंटेड बल्लेबाज हैं, स्किलफुल बल्लेबाज हैं, और देयरफॉर दे डिजर्व टू बी द फैब फोर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एट दिस पॉइंट इन टाइम। लेकिन क्या ये सही है? आई मीन टेस्ट क्रिकेट में मे बी येस, मे बी यू कैन स्टिल चैलेंज, लेकिन अगर हम अक्रॉस थ्री फॉर्मेट्स करें, हम अक्रॉस थ्री फॉर्मेट्स क्यों नहीं करते, पहले तो ये बताओ। एक तरीका है कि हाँ ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में आपको शायद ही कोई इनको पुश करता है या एक आधा कोई पुश करेगा, बट देन अगर हम अक्रॉस थ्री फॉर्मेट्स करें तो क्या हम नए फैब फोर को बना सकते हो? मुझे लगता है यहाँ पे गुंजाइश है कि नया फैब फोर बनाया जाए जो अक्रॉस थ्री फॉर्मेट्स एब्सोल्युटली रूल करता है। उसकी शुरुआत किससे करेंगे? विराट कोहली से आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि दो फॉर्मेट्स में नंबर वन है, वन डे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में नंबर वन पर है। तो अगर जो दो फॉर्मेट्स में नंबर वन खिलाड़ी हो, सबसे आगे हो, तो आपको उनको सूची में शुमार करना पड़ेगा। T20 क्रिकेट में टॉप 10 में है लेकिन नीचे है, नंबर 9 पर आपको ये नजर आते हैं। तो फिर अब वो इंडिया T20 कम खेलती है या ये उतना अच्छा नहीं करते, दैट्स अनदर थिंग, पर ये मौजूद है वहां पे उस लिस्ट में। दूसरा नाम मेरे विचार में आपको केन विलियमसन को रखना पड़ेगा, क्योंकि केन विलियमसन हैज बीन कंसिस्टेंट थ्रू कि तीनों फॉर्मेट की अगर आप बात करें तो वनडे में तो बहुत अच्छा करते हैं, टेस्ट में तो अच्छा जबरदस्त करते हैं, और T20 में भी आप उनको कम नहीं आंक सकते, मतलब हल्के में नहीं आंक सकते। ही इज अ फेयरली गुड प्लेयर, बट देन इट्स माई टीम, आप थोड़ा सा मतलब आप यू कैन अग्री और डिसअग्री। तीसरा मेरा जो खिलाड़ी है, इनफैक्ट तीसरे से भी पहले जो मेरा खिलाड़ी था वो था बाबर आजम। बाबर आजम को मैं तीसरे स्थान पे रख रहा हूँ, तीसरे नहीं एक्चुअली कोहली के साथ ही है, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, क्योंकि नंबर वन पर हैं वो अगर आप T20 की रैंकिंग्स की बात करें, तीसरे नंबर पर हैं अगर आप ODI की बात करें, नंबर 5 पे अगर आप टेस्ट क्रिकेट की बात करें। तो अगर तीनों फॉर्मेट्स में टॉप 5 में आपका नाम शुमार हो, तो फिर फैब 4 में आपका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? आपकी भागीदारी उसमें 120% बनती है। तो फिर विराट कोहली, बाबर आजम, ये दो लोग, केन विलियमसन को मैंने सूची में शुमार किया है। डेविड वार्नर के बारे में मैंने जरूर सोचा, लेकिन डेविड वार्नर के इंडिया के और इंग्लैंड का जो भी एशेज का हालत रही है, देखिए ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छा करते हैं, वनडे और T20 में जबरदस्त करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट बड़े बड़े रन तो बनाए हैं, अभी बाद में बहुत पिटाई की उन्होंने, लेकिन जब पाकिस्तानी गया था ऑफकोर्स सब बहुत सारे रन बनाए, पर मैं उनको अपनी लिस्ट में नहीं शामिल कर रहा हूँ, मैंने केन विलियमसन को रखा उनकी जगह पर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गोइंग विद रोहित शर्मा। रोहित शर्मा का टेस्ट का जो करियर है वो ऑब्वियसली अभी थोड़ा सा चढ़ान बढ़ रहा है, या भाई ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ है। वनडे में तो रनअवे विनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, T20 क्रिकेट की रैंकिंग्स में अभी थोड़ा सा पीछे जरूर है, लेकिन इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि ये भी खट 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 करके ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये रहे मेरे फैब फोर, मेरे नए फैब फोर, विराट कोहली, बाबर आजम, केन विलियमसन एंड रोहित शर्मा। डेविड वार्नर इज पुशिंग एवरीवन, स्टीव स्मिथ इज आल्सो ट्राइंग टू काइंड ऑफ पुश, बट स्टीव स्मिथ का केस इसमें उतना स्ट्रांग शायद नहीं होगा जितना डेविड वार्नर का होगा। तो डू यू अग्री, डू यू डिसएग्री? आई मीन आपके जहन में कोई और नाम है तो बता दो यार। इसमें भी वैसे एशिया के ना तीन प्लेयर हो गए, आई मीन अपना विराट कोहली, अपना बाबर आजम, अपना ही रोहित शर्मा, ये तो सब हमारे खिलाड़ी है। तो एशिया का डोमिनेंस अगर दिख जाए तो मैं तो खुश रहता हूँ भाई, आपका पता। चलो भाई, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी भी ना बजाए दो।